देखिए जो है जो आपने हेट स्पीच की बात की है, असल में हेट स्पीच नहीं है। देखिए मेरा ये कहना, हर आदमी को अपना कहने के लिए वो स्वतंत्र है। उन्होंने जो है, जो भी संत हमारे महात्मा हमारे थे, उन्होंने जो है राम राज्य की मांग की है। और ये मांग मैं कहता हूँ खाली हमारी नहीं, मेरा ये मानना जो भी हिंदू भारत में है, पूरे विश्व में जो भी हिंदू है वो राम राज्य चाहता है। परंतु जहाँ ये बात थी जो महात्मा गांधी जी के लिए जो बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया वो उचित नहीं है। बाकी मांग करने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। बाकी मेरा भी ये कहना है कि हम भी चाहते हैं कि भाई जो राम राज्य हो, हर व्यक्ति चाहता है। पूरा हिंदू की ये भावना और हिंदू की भावना है कि राम मंदिर बने, मथुरा बने, काशी बने, हर जगह बने और राम राज्य की स्थापना हो। जो भी संत महात्मा है, हमारा यही मानना है कि जो भी सरकार, देखिए कई लोगों का ये कहना है कि हमने जो है सरकार को सपोर्ट किया, सरकार को हमने सपोर्ट ये नहीं किया। जो सरकार संतों को मानती है, संस्कृति को मानती है, धर्म को मानती है, तो संतों को भी उस सरकार को मानना पड़ता है, क्योंकि वो सरकार है तो हम हैं। अगर हमारी सरकार है हम सुरक्षित हैं, अगर हमारी सरकार नहीं है हम सुरक्षित नहीं है। तो जो हेट स्पीच वाली बात है, मेरा ये कहना है कि देखिए वो हेट स्पीच कुछ व्यक्तियों ने थोड़ा आवेश में आके या थोड़ा पॉपुलर होने के लिए भाषा का जो प्रयोग किया उचित नहीं, उसकी निंदा मैंने पहले भी की है, अब भी की है और मैं करता रहूँगा। परंतु अपना जो एक उनका ये कहना है राम राज्य की स्थापना वो जरूरी है, वो हम सब सांसद सब हिंदू चाहता है भारत में राम राज्य। देखिए बापू जो है, जैसे हम उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से कहते हैं, परंतु हमारे जो धर्म में है कोई फादर नहीं है। हमारे धर्म में फादर है इज गॉड, वो भगवान है। तो उनके खिलाफ जो बातें हुई है उसको मैं अनुचित मानता हूँ, उसकी हमने निंदा की हुई है।